नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक और आज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की 10 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। कहा तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का नाम हो गया फाइनल और इंडिया अलायंस में पड़ रही दरार, ऐसी 10 बड़ी खबरें आपको आगे बताते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तेलंगाना के होने वाले सीएम रेवंत रेड्डी के साथ। कांग्रेस हाईकमान ने रेवंत रेड्डी के नाम पर मोहर लगा दी है। तेलंगाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ही राज्य के नए सीएम होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 7 दिसंबर को हैदराबाद में शपथ ग्रहण समारोह होगा और तेलंगाना में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तम कुमार रेड्डी और भट्टी विक्रमार्क को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है या फिर उन्हें कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। रेवंत रेड्डी को लेकर पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें ही कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाएगी। रेवंत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के फेवरेट माने जाते हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने तेलंगाना में बंपर जीत दर्ज की। कांग्रेस ने सत्ताधारी बीआरएस को पटकनी देते हुए 64 सीटों पर कब्जा किया। बीआरएस को सिर्फ 39 सीटें मिली। इसके अलावा बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की। तेलंगाना में कुल 119 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 60 सीटों की जरूरत होती है। रेवंत रेड्डी की बात करें तो रेवंत का जन्म 1969 में आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में हुआ था। एबीवीपी से की राजनीति की शुरुआत रेड्डी, बाद में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए। 2009 में वो आंध्र की कोडंगल से टीडीपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। 2017 में रेवंत रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि वो 2018 में विधानसभा चुनाव हार गए। हालांकि कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताते हुए 2019 लोकसभा चुनाव में मल्काजगिरी से टिकट दिया, उसमें इन्होंने जीत हासिल की। 2021 में कांग्रेस ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। उधर राजस्थान में बीजेपी की अग्नि परीक्षा जारी है। वसुंधरा राजे से बालकनाथ तक का नाम सीएम की रेस में है। इस बीच वसुंधरा राजे ने विधायकों से मुलाकात करना शुरू कर दिया है। अब देखना है कि मोदी के फेस पर इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी बीजेपी किसे सत्ता की कुर्सी सौंपती है। भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम बनेगा। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है, वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। 20-25 विधायक हैं अंदर। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे की को वापस मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी की जा रही है। प्रदेश की जनता भी मांग कर रही है और मेवाड़ संभाग में और राजस्थान में जनाधार तो मैडम का है ही है, उसको नकार नहीं सकते। मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान अब रिलैक्स नजर आ रहे हैं। इस बीच शिवराज ने लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के साथ लंच किया। शिवराज ने कहा, ना तो मैं पहले सीएम पद का दावेदार था और ना ही अब हूँ। मैं सिर्फ पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी जो भी पद या जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे निभाऊंगा। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रमाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके साथ काम करने में हमने सदैव गर्व का और आनंद का अनुभव किया है। अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट कांग्रेस को 3 राज्यों में मुंह की खानी पड़ी। अब ये हार इंडिया अलायंस में पार्टी के कद पर भारी पड़ रही है। गठबंधन में सहयोगी पार्टियों के सुर बदल गए हैं और कांग्रेस को घमंडी यानी एरोगेंट बताने से भी गुरेज नहीं कर रहे। कांग्रेस जल्दबाजी में गई कि हम जीत रहे हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं है। ये जो एक अहंकार होता है किसी भी राजनीतिक दल में, वो अहंकार उनको डुबा लेता है। कांग्रेस की हार के बाद एक बार फिर ईवीएम कसूरवार बन गया है। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कैसे ईवीएम को हैक किया जा सकता है, तो इस पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी उनको करारा जवाब दे दिया। दिग्विजय बाबू, कौन से ईवीएम का? कांग्रेस के अंदर जो कपड़ा फाड़ वाला ईवीएम था उसकी चर्चा तो पार्टी के अंदर कर लें, क्यों ईवीएम पर वो ठिकरा फोड़ रहे हैं? ईवीएम का जब जीत जाते हैं तो बल्ले बल्ले, हार जाते हैं तो ईवीएम
मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू, यही है ईवीएम। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बुधवार 6 दिसंबर को होने वाली बैठक टल गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में 6 दिसंबर को ये बैठक आयोजन किया था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अलग अलग वजहों के चलते बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई। कांग्रेस का कहना है कि सभी पार्टियों से बात करके एक दो हफ्ते में बैठक की नई डेट तय की जाएगी। दरअसल विपक्षी दल के नेता लगातार सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने की मांग कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 राज्यों में चुनाव का हवाला देकर इसे टाल दिया था। रविवार को 4 राज्यों में आए नतीजों के बीच खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया की बैठक बुलाई थी। 4 राज्यों में सिर्फ तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिली, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसे हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान में चुनाव नतीजे आने के बाद एक और बड़ी खबर आई है। खबर है क्राइम से जुड़ी हुई। राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुखदेव को 4 गोलियां मारी गई। इस फायरिंग में सुखदेव का गनमैन भी घायल हुआ। घटना के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। हमलावरों की तलाश जारी है। घटना के वक्त गोगा मेड़ी अपने घर में थे। गोलीबारी के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। गोगा मेड़ी को फौरन मेट्रो मास अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस सीसीटीवी की पड़ताल में जुटी है। करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें साफ दिख रहा है कि बदमाश पहले आराम से बैठकर सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी से बात कर रहे थे। इसके बाद अचानक उन्होंने गोलियां चलाई। सुखदेव सिंह की हत्या जयपुर में श्याम नगर जनपद स्थित उनके घर पर की गई है। फिलहाल इस हत्याकांड की जिम्मेदारी राजस्थान के रोहित गोदारा गैंग ने ली है। जानकारी मिली कि कुल 3 हमलावर स्कूटी पर बैठकर वहां आए थे। उन्होंने कहा था कि उनको गोगा मेड़ी से मिलना है। फिर वो कमरे में गए और करीब 10 मिनट बैठकर वहां बात की। इसके बाद ये गोलीकांड हुआ। गोलियां चलने के बाद गोगा मेड़ी के गार्ड ने भी फायरिंग की। इस क्रॉस फायरिंग में एक हमलावर की भी मौत हो गई है। उसका नाम नवीन शेखावत बताया गया है। देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भीषण चक्रवात मिचोंग कहर बरपा रहा है। चेन्नई में भयंकर तूफान और तेज बारिश से 5 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के सीएम से बातचीत कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मिचोंग साइक्लोन के पूर्वी तट के करीब पहुंचने के कारण भारी बारिश के कारण चेन्नई में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसे देखते हुए 12 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक साइक्लोन आज आंध्र प्रदेश तट से टकरा सकता है। भीषण चक्रवाती तूफान के मंगलवार सुबह नल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश तट से टकराने की आशंका है। आज का हमारा न्यूज बुलेटिन आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और ये भी बताएं कि और किन विषयों पर हमें ज्यादा से ज्यादा बात करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।